हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम लदीम। तो यार, वीडियो का टाइटल बहुत ज्यादा कमाल का, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो यार, वीडियो का टाइटल है नरेंद्र मोदी थग लाइव फीट राहुल खनवल। अच्छा, क्या मतलब ये क्या सीन है कि राहुल खनवल है? चलो पहले ये देखते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो है थग लाइफ है ये किसके साथ क्या सीन है। तो अब ये वीडियो देखेंगे तब ये होगा। तो काउंट करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। जय श्री राम दोस्तों, पिछला वीडियो जो कि बना था अमित शाह और राहुल के ऊपर, नहीं राहुल कमल के ऊपर, आप लोगों को बहुत ही पसंद आया, इसलिए हम आज दूसरा वीडियो लेकर आए जिसमें मोदी जी यानी कि अमित शाह के बड़े भाई राहुल की शब्दों से भरपूर धुलाई करते दिखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमें और अधिक काम करने की प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री जी, बहुत हद तक फोकस इस कैंपेन में राष्ट्रीय सुरक्षा पे रहा है। आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि पीएम बार बार बालाकोट, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोगों का ध्यान रोजगार, एग्रेरियन डिस्ट्रेस, किसानों की हालत, इन तरह की चीज़ों से भटकाना चाहते हैं। आप इस आरोप को कैसे देते हैं? आप कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं कि न्यूट्रल मीडिया है? सही लगाइए। रुको जरा, सबर करो। आपका कोई नेता पाकिस्तान में जाकर के कहे बस भारत और पाकिस्तान की दोस्ती हो सकती है, सिर्फ इसको हटाओ तुम, क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हटाएगा क्या? ये तो बिल्कुल ही सही है दोस्तों, ऐसे देश में जाना और जाकर ये सारी बातें करना एक दुश्मन देश से कहां तक लाजमी है। आप सब अपने व्यू पॉइंट्स कमेंट करके हमें बताएं। क्यों आप लोगों को फुर्सत नहीं है कि आपके टीवी चैनलों पर इन चीजों पर गंभीरता दे और ऐसे लोगों को हिंदुस्तान के सामने बिल्कुल बेनकाब करना? न्यूट्रल मीडिया का काम है कि नहीं है? कांग्रेस के सवालों को लेकर के आप कितने दिन तक घूमते फिरोगे भाई? आप अपने सवाल लेके निकलिए। क्या करूं मैं, मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है, पानी पी। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी। तोड़ता कुत्ता टॉमी, साड़ा कुत्ता कुत्ता। अब लोग ये कह रहे हैं कि अब ये साफ हो गया है कि 2014 में नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी की लड़ाई होने वाली है, बतौर प्रधानमंत्री कौन अगला बनने वाला है। राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते? आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने राहुल की शक्ल देखो, मोदी आप भी नजर रखते हैं ना, देखा उंगलियों से समझा रही है, कैसे बंद की जा रही है, समझ में पड़ गया। Hey, y'all come look at this. सर, हमारा सवाल है रोजगार को लेके। इंडिया टुडे ग्रुप एक साप्ताहिक ट्रैकर चलाता है पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें हम लोगों से पूछते हैं कि इस चुनाव में सबसे अहम मुद्दे क्या हैं। 36% लोगों ने कहा कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार कहती है कि जॉब क्रिएशन ऐतिहासिक स्तर छू रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट लेकिन नंबर वन इशू है, क्या इसमें आप विरोधाभास देखते हैं? आप फिर ये कांग्रेस का एजेंडा फिर आप लेकर के चल पड़े हो, आप उसी को आगे बढ़ा रहे हो, क्या सेवा कर रहे हो मुझे मालूम नहीं है। ओ भाई, आपने बोला सही लगाई कि CII का ये कांग्रेस के एजेंडे हैं ना, या हमारे IT सेक्टर का एक एसोसिएशन है उनका भी रिपोर्ट आया, हाँ नेस्कॉम का, इन सब ने कि पहले से कई गुना रोजगार बढ़ा है रिपोर्ट दिए हैं। EPFO देख लीजिए, हर वर्ष करीब 25 करोड़ नए लोग जुड़े हैं। बिल्कुल, मुद्रा योजना मोदी के टाइम पे बहुत नौकरियां, 4.5 करोड़ लोग वो हैं जिनको पहली बार बैंक से पैसा मिला, पहली बार जिंदगी में। अभी तो रोजी रोटी कमाते हैं, किसी को रोजगार देते हैं। सही पकड़े हैं। तीसरी बात है कि आप कोई भी क्षेत्र में देख लीजिए, आपको जिस प्रकार से विकास हो रहा है, अगर रोड बन रहे हैं तो क्या भाई बिना रोजगारी को रोड बनते होंगे क्या? बिना रोजगारी को रेल बढ़ती होगी। और मैंने सुना है कि आपके आज तक की जो ऑफिस है उसमें अब बैठने की जगह नहीं है। सही बात बोली, सही लगा गया बे उसको। ये मुझे सबका डेटा रखता है। आपके आलोचक कहते हैं कि कोर्ट के बाद आपने
जो फैसला जो जज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके बाद आपने ट्वीट किया गॉड इज ग्रेट, और ये बात बीजेपी ने बनाई कि नरेंद्र मोदी तमाम जो उनपे आरोप थे वो तरीके से बरी हो गए। इस पार्टी अच्छा मुझे बताइए कोर्ट में या पुलिस थाने में मोदी पर क्या आरोप है? बताइए। नहीं फिलहाल कोई आरोप नहीं है। फिर भाई फिर काहे को चिल्ला रहा है सारी दुनिया? अगर है ही नहीं, आप कह रहे हैं नहीं है तो आप दुनिया को बताओगे नहीं है? बात आपकी बराबर है। नहीं है ये तो कहो भाई, डंके की चोट पे कहो ना। मानता नहीं है। नहीं कह रहे हो मेहरबान, आप नहीं कह रहे। नहीं हम ये मान रहे हैं कि फिलहाल कोई आरोप नहीं है, लेकिन बरी भी नहीं हुआ क्योंकि कोर्ट ने कहा कि चलिए लोअर कोर्ट में जाके। कमाल है। लोअर कोर्ट में इस पे अभी भी तफ्तीश। अरे वो प्रक्रिया है भाई, आप अगर किसी लीगल मैटर को पूछो सुप्रीम कोर्ट कोई कहीं पर एक भी जगह पे मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है क्या? अब किस चीज की चर्चा कर रहे हो भाई? ये तो हम चुपचाप सह रहे हैं इसलिए भाई इसको एक पॉलिटिकल आपने एंगल दिया है। कोई चीज रोज। अच्छा ये बताइए, लोगों को अभी भी एक सवाल आता है दिन में दिमाग में हर जगह। मस्त जोक मारा लोगों को आता है कि अगर उस तरह की स्थिति दोबारा कभी खुदा ना खास्ता उत्पन्न होती है तो नरेंद्र मोदी का क्या इस बार रिस्पांस एकदम हम देखेंगे? क्या आप गारंटी लेते हैं कि दोबारा कभी नहीं ऐसा कुछ होगा? आप देश की सेवा करना चाहते हैं, ईमानदारी से मेहनत करना चाहते हैं जी, एक काम करोगे? ओह नो। करोगे? मैं राहुल को पूछ रहा हूँ। बोलिए। आप एक काम कीजिए, 1984 के कम्युनल वायलेंस का रिपोर्ट, भागलपुर के कम्युनल वायलेंस का रिपोर्ट, 1969 गुजरात के कम्युनल वायलेंस का रिपोर्ट, 1992 मुंबई के कम्युनल वायलेंस का रिपोर्ट, ऑल रिपोर्ट्स आर अवेलेबल एंड गुजरात की जानकारी अवेलेबल है। पांचों का आपको जो ठीक लगे उस पैरामीटर से कंपैरिजन करिए। अब उसमें अगर बाकी चारों से यहां अच्छी कामगिरी हुई है तो दुनिया को बताओगे? तो करिए इतना काम और फिर कोई सवाल है मेरे पास आना। सच्ची बात करते हैं। सवाल मुझे पूछा कि फिर ऐसा होगा तो मोदी क्या करेगा? इम्पोर्टेंट सवाल है। इम्पोर्टेंट तो आपके लिए हर चीज इम्पोर्टेंट होती है, वरना दिल्ली से यहाँ क्यों आते हैं? रोजी रोटी उस पर रिपोर्टिंग ये तो इम्पोर्टेंट ही है। मैं कोई आपके सवाल को फालतू नहीं मानता हूँ और मुझे उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ऐसा मैं नहीं मानता कि आप कोई ऐसे टाइम खराब कर रहे हैं, आप सिंसियरली काम कर रहे हैं। इतनी खुशी रिपोर्टर मिल जाए। आपने अपनी चिट्ठी में ये बात जरूर की कि लॉ अप्लाइज टू ऑल, और जो गुनहगार हुआ 2002 का उसको आप सजा देंगे बतौर मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री सजा नहीं देता है, न्यायपालिका देती है। ओ भाई इधर ये वीडियो खत्म, मतलब क्या जवाब दिए हैं भाई मोदी जी ने इसको। वाए 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 वाए। मतलब कि ये भी बोलते हैं कि मैं क्यों है, वो कहता है कि भाई तू कांग्रेस का झंडा लेके क्यों चल रहा है तू? भाई सीधी मुद्दे की बात, जो तेरे अंदर का सवाल है वो पूछना, वो पूछना कांग्रेस के बारे में क्यों पूछता है भाई से? नहीं मतलब कांग्रेस को उठाए हुए सवाल है कि भाई लोग बेरोजगार हुए, लोगों को नौकरियां नहीं मिली। उन्होंने बोला कि हमने 4.5 करोड़ नौकरियां दी है, 4.5 करोड़ नौकरियां नहीं, 4.5 करोड़ लोगों को उधार पैसा बैंकों से मिला है, 1.25 करोड़ लोग हर साल नया जोड़ रहे हैं नौकरियों के अंदर। तो भाई ये चीज है तो तब जिन बेरोजगारों को पैसा मिला होगा उनको नौकरी ही समझो ना, मतलब वो कारोबार करेंगे नौकरी लगी। बिल्कुल यार इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जिस तरह से भाई इन्होंने उसको पॉइंट मारे हैं वो तो भाई देखने वाले थे राहुल गांधी को, बिल्कुल सॉरी इसको राहुल खनवल को। ना ऐसे जवाब दिए कि बंदा सोचता है कि ये क्या कह रहे हैं, जबरदस्त जवाब। भाई ये कहता है कि भाई ये सारी चीजें लेके आओ फिर आके सवाल मुझसे पूछना, और कहता है कि जब अदालतों ने मुझे बोल दिया मेरे खिलाफ कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है तो भाई तुम लोग भी सरेआम बोलो ना, तुम लोग क्यों नहीं बोलते? पूरे इंडिया में कोई ऐसा नहीं है कि इनके खिलाफ कोई चीज दर्ज हो। तो वही ना बाबा, वही ना, तो तभी तो ये कहते हैं ना ये लोग, फिर मीडिया वाले मजे लगाते हैं। बोलो जो सच्चाई है वो तुम लोग बताओ, तुम क्यों नहीं बताओ? मेरी सच्चाई क्यों नहीं बयान करते हो तुम? मेरी सच्चाई भी कोई बयान करो ना, फिर मेरे पास आओ मुझसे पूछो कि क्या हुआ है। सच्चाई मेरी बयान ही करते हो, कांग्रेस का झंडा लेके मेरे पास आ जाते हैं। सही है। वो किसानों का भी सवाल किया है ना भाई, सारे पास जब किसानों के सारे जलसे जुलूस जा रही है तो आप पाकिस्तान में ये चीजें करते हैं क्या? कोई फ्रेंडशिप या कोई ऐसी सीन चल रहा था, लेकिन भाई इनकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते? उन्होंने क्या जवाब दिया?
वही ना भाई, वही एजेंडा कांग्रेस, कांग्रेस का एजेंडा है ना, कांग्रेस यही चाहती है ना कि भाई ये लोग आपस में करें तो भेदभाव। लेकिन ये कि मोदी जी ने किसानों के लिए भी बड़ा कुछ किया है, ऐसी बात है, देखो एक इंसान है मोदी जी भी, इनसे भी गलतियां हो सकती है, ये नहीं है कि भाई ये बिल्कुल A1 100% सही बंदा है जी, कोई एक आध थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। किसानों के लिए इन्होंने बहुत काम किए जी, बजाज पिछले दिनों इन्होंने हर चीज के डबल रेट कर दिए हैं किसानों के लिए, गन्ने के रेट कर दिए, चावल कीमतें बढ़ा दी, बहुत काम कर रहे हैं, ग्रेट है भाई। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट्स वीडियो के बारे में, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, इधर वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।